हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। और आज के इस वीडियो में मैं सीटीईटी के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्नों को लेकर आई हूँ। पिछले वीडियो में मैं 10 तक के प्रश्नों को बताई थी और आज के वीडियो में मैं 11 से शुरू करूँगी। 11 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अधिगम का उच्चतम स्तर है। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अमूर्त चिंतन स्तर। 12 नंबर क्वेश्चन है, अधिगम अनुभवों तथा प्रशिक्षण के फलस्वरूप व्यवहार परिमार्जन है। यह परिभाषा निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक द्वारा दी गई। इसका आंसर है ऑप्शन ए, गेट्स एवं अन्य। 13 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण व्यवहार के संज्ञानात्मक पक्ष से संबंधित नहीं है। कक्षा प्रशिक्षण प्राप्त करने के उपरांत कठिन टंकन कार्य करने लगता है। इसका सही आंसर ऑप्शन ए होगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक शिक्षक कक्षा में पढ़ाते समय किसी बिंदु को समझाने के लिए कई उदाहरण प्रस्तुत करता है। शिक्षक यह प्रक्रिया निम्नलिखित में से व्यवहार के किस पक्ष के अधिगम विकास में सहायक है। इसका आंसर होगा संज्ञानात्मक पक्ष, भावात्मक पक्ष और क्रियात्मक पक्ष। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, तीनों ही पक्ष में। अगला क्वेश्चन है, कक्षा का अधिगम वातावरण संतोषजनक व सुखद बनाना यह निम्नलिखित में से किस अधिगम नियम पर आधारित है। इसका आंसर है प्रभाव का नियम। अगला क्वेश्चन है, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के अनुसार अनुबंधन के उपरांत अस्वाभाविक उद्दीपक बन जाता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, अनुबंधित उद्दीपक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 17, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन प्रेरक का कार्य करता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, असंबंधित उद्दीपक। 18 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समग्रवाद का प्रवर्तक नहीं है। इसका आंसर है हल और बर्दाइमर, कोफा और कोहलर ये समग्रवाद के प्रवर्तक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, समग्रवाद सिद्धांत के अनुसार अधिगम का अर्थ है बोध का होना। अगला है 20 नंबर क्वेश्चन, सीखना है प्रशिक्षण व अनुभवों द्वारा व्यवहार में परिवर्तन। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। इसका आंसर है थर्नडाइक, थर्नडाइक ने सीखने के नियम का प्रतिपादन किया। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांतवादी ने अधिगम क्या है के संदर्भ में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया। इसका आंसर है हल, हल ने अधिगम क्या है के संदर्भ में 16 स्वयं सिद्धियों का निर्माण किया। 23 नंबर क्वेश्चन है, शिक्षकों को कक्षा में नवीन ज्ञान देते समय उसका संबंध छात्रों के दैनिक जीवन की क्रियाओं से स्थापित करना चाहिए। इस कथन में निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम सिद्धांत निहितार्थ है। इसका आंसर है संबंध प्रवर्तन सिद्धांत। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है। आगे की वीडियो में मैं और भी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को लेकर आऊँगी। इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।